हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की जो इक्वेशन होती हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और इनसे रिलेटेड जो इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको इसमें पढ़ेंगे। समझते हैं, जैसे हमें किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। और अगर मैं इसमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, के अलोंग अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करता हूँ तो लिखूंगा वी एक्स वेक्टर इक्वल टू डी एक्स वेक्टर डिवाइड बाय डी टी। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इसे हम लोग लिखेंगे वेक्टर वी वाई इक्वल टू डी वाई वेक्टर ओवर डी टी। इसी तरह से अगर z एक्सिस के अलोंग अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे वेलोसिटी along जेड एक्सिस, तो इसे लिखेंगे वी जेड इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी। इस तरह से तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अब वेक्टर वी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, इस तरह से लिखेंगे। और वी एक्स वी वाई वी जेड इन सब की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें तो लिखेंगे वेक्टर वी इक्वल टू, इसकी वैल्यू है डी एक्स डिवाइड बाई डी टी आई कैप प्लस इसकी वैल्यू है डी वाई डिवाइड बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड डिवाइड बाई डी टी के कैप। तो ये हमारे पास किसी पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी है और हमें अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां से वेक्टर वी इक्वल टू डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करने से ये मिलता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा किस तरह से, डी आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर वी मल्टीप्लाई डी टी, ये इधर आ जाएगा। और अगर मुझे किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा और लिमिट हम लोग यूज करेंगे टी वन लिमिट एंड टी टू। टी वन इज अ लोअर लिमिट एंड टी टू अपर लिमिट, और इधर की तरफ हम लोग पोजीशन की लिमिट यूज करेंगे। यहाँ पर आर नॉट और आर यूज कर लेंगे, यहाँ पर वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो आर हो जाएगा और लिमिट यूज करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे। और इधर हम लोग इंटीग्रेशन वेक्टर वी डी टी, वेक्टर वी की जो भी इक्वेशन होगी हमारे पास उसका हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट यूज करेंगे टी वन टी टू। तो इस तरह से ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई। अगर मैं वेक्टर आर इक्वल कैलकुलेट करूंगा तो आर नॉट इधर चला जाएगा, आर नॉट वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन टी वन टी टू की लिमिट हो गई, टी वन इज अ लोअर लिमिट एंड टी टू इज अ अपर लिमिट टाइम्स वेक्टर वी मल्टीप्लाई डी टी। इस तरह से मेरे पास ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई। और अगर हमें एक्सिलरेशन कैलकुलेट करना है पार्टिकल की वेलोसिटी की बिना, तो क्या करेंगे हम लोग? ध्यान रखना है
कि जो एक्सिलरेशन होता है ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ बताता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो एक्सिलरेशन जीरो होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सिलरेशन निगेटिव होगा, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं, डी एक्सिलरेशन। और रिटार्डेशन मीन निगेटिव एक्सिलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो मोशन से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और निगेटिव एक्सिलरेशन मोशन को ऑब्जेक्शन करता है। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में होती है, मीन अलोंग मोशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मोशन का सपोर्ट करता है मोशन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी ओवर डीटी, इस तरह से लिखेंगे। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसमें हम तीनों डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो तीनों डायरेक्शन की यहाँ पर हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ए वाई वाई एक्सेस के अलोंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन, डी वी वाई वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, और जेड एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन डी वी जेड डिवाइड बाई डी टी। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये है और दूसरी ये है। इसमें हम चार इक्वेशन पढ़ते हैं, उन चारों को यहाँ पर मैं एक साथ लिख देता हूँ। देखते हैं, पहली इक्वेशन तो ये है कि अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डी बाई डी टी करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डी बाई डी टी करेंगे, मीन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी का। तीसरी बात यह है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, और लिमिट होगी टी वन टी टू, टी वन एंड टी टू इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। और लास्ट का इक्वेशन, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डी टी, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी टी वन से लेकर टी टू की लिमिट हो गई। ये तो ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन तो डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, वेलोसिटी का फिर से एक बार हमने अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो ये चार इक्वेशन हमारे पास हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम प्रूव करना सीखेंगे मोशन के जो इक्वेशन हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, इन इक्वेशन के नाम से उन्हें हम जानते हैं, उन्हें हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं उन्हें समझते हैं।
समझते हैं भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास एक फार्मूला है एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी ओवर डीटी, इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और अगर यहां पर मैं डीवी इक्वल कैलकुलेट करता हूं तो ए टाइम्स डीटी होगा, और अगर मैं बोथ साइड डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां पर लिमिट आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को यू, फाइनल वेलोसिटी को वी, और टी वन इनिशियल टाइम जीरो एंड टी टू फाइनल टाइम टी। यहां से ए बाहर आ जाएगा और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वी हो जाएगा, और लिमिट यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वी माइनस यू इक्वल ए, इधर हो जाएगा टी माइनस जीरो, इधर हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, मीन v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखेंगे तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टाइम्स टी, इस तरह से ये हमारे पास मोशन का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम कहेंगे v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, इस तरह से हम कहेंगे वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ को बताती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, ये बात बताएगी। तो अगर हम इसे ds करके लिखना चाहें तो ds इक्वल टू v टाइम्स dt लिख सकते हैं, और v की वैल्यू हम यहां से पुट अप कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास v की वैल्यू मालूम है u प्लस ए टी टाइम्स dt। अब हम बोथ साइड डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन हियर लिमिट यूजिंग s जीरो मीन s नॉट एंड s, इधर टाइम की लिमिट t1 इक्वल जीरो एंड t2 इक्वल t, इस तरह से। इधर हम लोग जब इसका ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और लिमिट यूज करेंगे तो s माइनस s नॉट, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। और इधर आप देख रहे हैं कि दो टर्म हैं u और at है, इन दोनों टर्म में हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन u टाइम्स dt जीरो से t की लिमिट प्लस इंटीग्रेशन नेक्स्ट टर्म at टाइम्स dt जीरो से t की लिमिट, और इधर u बाहर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t हो गया और लिमिट यूज करेंगे तो s माइनस s नॉट इक्वल टू ut प्लस, इधर a बाहर आ गया t में आप देख रहे हैं कि 1 पावर है। और आपको मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला बता देता हूँ कि अगर t की पावर n है उसका आप dt कर रहे हैं तो लिखेंगे t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, लेकिन n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, अगर माइनस 1 है तो ये फार्मूला फिर वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस 1 पावर नहीं है तो ये फार्मूला वैलिड होगा, तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 यानी a, इधर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से t, आप लिमिट यूज करेंगे तो इधर हो जाएगा s माइनस s नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप उधर ले जाएंगे तो s इक्वल टू s नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया मोशन का। s नॉट इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, और अगर ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसकी जगह जीरो हो जाएगा, फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसा हम लोग जनरली पढ़ा करते हैं। उधर देखते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
मोशन का थर्ड इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास ये एक इक्वेशन है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसी का फिर से यूज करते हैं ए इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। और अगर इस इक्वेशन में डी एस से डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई में कर लूँ तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वन वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं डी एस को इस तरह से लिख लूँ, इस तरह से, और इसको इस तरह से लिख लूँ, तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, उसे मैं लिखूँगा डी वी डिवाइड बाई डी एस, इधर हो जाएगा डी एस डिवाइड बाई डी टी। और आपको पता है कि डी एस ओवर डी टी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी इतने टर्म में, ये बन जाएगा वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी एस, इधर हो गए वी, इधर ये डी एस इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए टाइम्स डी एस इक्वल टू वी टाइम्स डी वी, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इधर से एस नॉट से लेकर एस की लिमिट यूज करेंगे, इधर वी से लेकर यू की लिमिट यूज करेंगे, इधर से हमारे पास ए बाहर आ जाएगा और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट यूज करेंगे तो एस माइनस एस नॉट लिखेंगे इक्वल टू, इधर फिर से हमारे पास वी में पावर वन है। और आपको मैंने बताया कि जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें n पावर होती है, n की वैल्यू नेगेटिव ना हो, तो उसे हम इंटीग्रेशन करते समय पावर में वन ऐड कर देते हैं और डिवाइडेशन में पावर में वन ऐड कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा v स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, इधर हो जाएगा v स्क्वायर बाय टू, और लिमिट यूज करेंगे, इधर हमारे पास लिमिट है u से v की और लिमिट है u से v की, और जब इसे हम लोग यूज करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा a s माइनस s नॉट इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और इसे हम जनरली लिख लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और इधर s माइनस s नॉट, ऐसा करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, मोशन की थर्ड इक्वेशन आ गई। आप इसे लिखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक एप्लीकेशन आती है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, वो पार्टिकल टी टाइम में इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, टी टाइम में इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो एंथ टाइम में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, उसके लिए एक डेरिवेशन हम कैलकुलेट करते हैं। मैं इसे साफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। समझो बच्चों, जैसे हमारे पास ये एक ट्रैक है, एक रास्ता है, इसमें ये ए पॉइंट है और इधर ये बी पॉइंट है, तो ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में पार्टिकल को कुछ टाइम लगता होगा, फिर बी से सी तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगता होगा, ये सी पॉइंट है, तो बी से सी तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगता होगा। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई पार्टिकल ए से सी तक ट्रेवल करता है, ए से सी तक ट्रेवल करने में से टी टाइम लगता है, ए से सी तक अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो इसे टी टाइम लगेगा। ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय पार्टिकल, ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय पार्टिकल इन टी टाइम में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, एस इक्वल टू टी टाइम में एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन है, अगर मैं इसे जीरो कर दूं
तो लिखूंगा एस टी, टी टाइम में जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, इधर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि t इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में पार्टिकल A से C तक मूव करता है, 10 सेकेंड में पार्टिकल A से C तक मूव करता है, 10 सेकेंड में ये 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, A से C तक ये 100 मीटर है, तो 10 सेकेंड में इतना चलता है तो 9 सेकेंड में कुछ ना कुछ तो चलता होगा। तो अगर मैं कह दूँ कि A से C तक ये 10 सेकेंड में ट्रेवल करता है, 10 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और A से B तक ये 9 सेकेंड में ट्रेवल करता है, 9 सेकेंड में, तो मैं कह सकता हूँ कि लास्ट के 10th सेकेंड में इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, ये वाली जो डिस्टेंस आ गई ये 10th सेकेंड में ट्रेवल करता है इतनी डिस्टेंस। एक बार फिर से समझो, अगर मैं कहूँ कि A से B तक ये 9 सेकेंड में डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और A से C तक 10 सेकेंड में ट्रेवल करता है, तो लास्ट का जो 10th सेकेंड है उसमें B से C तक ट्रेवल करता है। और अगर मैं t इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो 9 को मैं t-1 लिख सकता हूँ। इसी तरह से ये t सेकेंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, अब मैं कैलकुलेट करूँगा t-1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय पार्टिकल इन t-1 टाइम, इतने टाइम पर कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा s t-1 इक्वल टू u, जहां पे आपको t दिख रहा है वहां पे t-1 यूज करना है, t-1 प्लस हाफ ए t-1 होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा आप कैलकुलेट करेंगे, t-1 इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए, इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t हो जाएगा, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो इधर हो जाएगा एस t-1 इक्वल टू यू टी माइनस यू, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा माइनस का 80। तो ये वाली डिस्टेंस 9 सेकंड में मीन t-1 सेकंड में और 10 सेकंड में मीन t सेकंड में जितनी ट्रेवल करे, दोनों को अगर माइनस कर दें तो लास्ट के 10th सेकंड में हमें ट्रेवलिंग डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय पार्टिकल इन सेकेंड। इस टाइम पर, लास्ट वाले टाइम पर कोई पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो एस इस टाइम पर, तो एस टी सेकेंड में जितनी है माइनस एस t-1 सेकेंड में जितनी है, दोनों की वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू जो भी है माइनस करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा माइनस यू टी और ये प्लस हो जाएगा प्लस यू, फिर इधर हो जाएगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस ए बाई टू इधर ये प्लस एटी हो जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं, इधर से कैंसिल आउट, इधर ये बचा यू माइनस ए बाई टू, इधर बचा यू माइनस ए बाई टू,
प्लस ए टी, इसे आप थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो u प्लस ए बाई टू इधर टू टी माइनस वन, इस तरह से ये हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। जब हम पार्टिकल की वजह से लास्ट वाले सेकेंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आप इसे लिखें जरा, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गैलीलियो का जो ऑड डिजिट लॉ है, गैलीलियो का जो ऑड डिजिट लॉ है उसे हम समझते हैं। ये ध्यान रखना है, गैलीलियो का जो ऑड डिजिट लॉ है वो केवल उस समय वैलिड है, उस टाइम वैलिड है जब कोई पार्टिकल फ्रीली अंडर ग्रेविटी मोशन करे और हम ऊपर से किसी भी बॉडी को ड्रॉप कराएं, छोड़ें, और वो पार्टिकल, वो बॉडी नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन करे, उस टाइम हर एक सेकंड में जो उसकी वजह से ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग हाइट है, उसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और रेशियो जो आता है वो ऑड डिजिट में आता है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से वो रेशियो आता है। ध्यान रखना कि जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल मोशन करता है और वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रीली मूव करता है, ऊपर से अगर ड्रॉप कराया जाए, तो फिर उस पार्टिकल, उस बॉडी की वजह से जो ट्रेवलिंग हाइट है, उस हाइट का रेशियो ऑड डिजिट में मिलता है। इसलिए इस लॉ को, इस एप्लीकेशन को गैलीलियो ऑड डिजिट एप्लीकेशन या लॉ कहते हैं। समझते हैं और उसे प्रूव करके देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे गैलीलियो ऑड डिजिट लॉ, गैलीलियो ऑड डिजिट लॉ, इसे हमें पढ़ना है। हमने एक इस तरह से एक जगह बना ली, ये कोई मान लेते हैं टावर है, इसकी टोटल हाइट है h, और यहां पर एक ये कोई लड़का खड़ा है इस तरह से, इसकी टोटल हाइट h है, और ये लड़का किसी स्टोन को वर्टिकल डाउनवर्ड ड्रॉप कराएगा। ध्यान रखना, थ्रो नहीं करना है। अगर ये लड़का किसी भी स्टोन को, बॉडी को थ्रो करता है तो इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगी, इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी। ऐसा हमें इसे मूव कराना है कि वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करे और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो, यानी पार्टिकल जीरो से, जीरो वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करे। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप कराया जाता है इस जगह से, तो अभी यहाँ पर है, कुछ देर के बाद ये यहाँ पर होगा, कुछ देर के बाद ये यहाँ पर होगा इस तरह से, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर होगा, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर होगा इस तरह से। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है, जब ये वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है कुछ देर के बाद ये ग्राउंड में होगा, तो इसकी वजह से जो ट्रेवलिंग हाइट है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, उसका हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। समझते हैं, देखो जरा, हम लोग सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अभी मैंने बता दिया कि अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा तो जो वर्टिकल जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम लोग जी लिखेंगे, और यू की वैल्यू जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी ये जीरो होगी। तो हम बार बार एस इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, और s के बजाय हम लोग h लिख लेते हैं, हाइट हाफ जी टी स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड में कितनी हाइट, कितना नीचे आ जाएगा, ये t इक्वल टू वन सेकेंड,
इसे हम लिख लेते हैं एच वन इक्वल टू हाफ जी की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 10, टी की जगह 1, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5, मीन एच वन इक्वल टू 5 मीटर, ये एच वन की वैल्यू आ गई। तो इतनी जो डिस्टेंस है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है ये 5 मीटर हो गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई। इसका मैं नाम लिख देता हूँ ए और बी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस हो गई वो 5 मीटर हो गई। तो पार्टिकल पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर नीचे आएगा। फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टी इक्वल टू सेकेंड, इस टाइम पर 2 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, इसे हम लोग लिखते हैं एच इक्वल टू यू टी टर्म तो 0 हो गया, हाफ जी की जगह 10, टी की जगह 2 स्क्वायर यानी 4, इधर कैलकुलेट करेंगे तो 5 और ये 20 हो गया, तो एच इक्वल 20 मीटर। 2 सेकंड में पार्टिकल 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर, यानी पहले तो 5 मीटर आ ही गया था, 20 और आ गए, तो सेकंड जो सेकंड है टी इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल 20 मीटर आ रहा है, तो जो लास्ट का सेकंड टाइम है सेकंड है तो वहाँ पर पार्टिकल केवल 15 मीटर तो आ रहा है, क्योंकि 20 तो पूरा है जिसमें से 5 पहले आ चुका था, तो इतना बचा 15 मीटर। तो आप इसे एच टू लिखेंगे, एच टू इक्वल 20 मीटर माइनस 5 मीटर, मीन एच टू इक्वल टू हम लिखेंगे 15 मीटर। फिर इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे फॉर टी इक्वल 3 सेकेंड, इस टाइम पर पार्टिकल कितना नीचे आ जाएगा 3 सेकेंड के बाद, हम देखेंगे एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू हाफ जी की जगह 10, टी की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 45 हो जाएगा, एच इक्वल टू 45 मीटर। अब देखो भाई, पार्टिकल 3 सेकंड में 45 मीटर आएगा जिसमें से 20 मीटर पहले ही आ चुका था, इसका मतलब 3rd सेकंड में ये केवल आ रहा है 20 माइनस 45, यानी एच थ्री इक्वल टू 45 माइनस 20, यानी एच थ्री इक्वल टू 25 मीटर। 3rd सेकंड में पार्टिकल 25 मीटर आ रहा है, 25 मीन 25 मीटर, इतना आ गया 25 मीटर। फिर इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे फॉर टी इक्वल 4 सेकेंड, इस टाइम पर हम देखेंगे कितना पार्टिकल नीचे आ जाएगा, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, आप ध्यान से देखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू हाफ जी की जगह 10, टी की जगह 4 का स्क्वायर 16, आप इसे डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, एच इक्वल टू 80 मीटर हो गया। 4 सेकेंड में पार्टिकल 80 मीटर आ गया, 3 सेकेंड में 45 आ रहा था, 3 सेकेंड में तो 45 आ ही गया था, 4 सेकेंड में 80 आया, यानी 4th सेकेंड में कितना आया 80 माइनस 45, 80 माइनस 45, यानी एच 4 इक्वल टू 80 मीटर माइनस 45 मीटर, यानी एच 4 इक्वल टू यहाँ पर 25 से 35 आ गया, 35 मीटर। इसी तरह से टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर, 5 सेकेंड में देखेंगे पार्टिकल कितना नीचे आएगा, तो हम लिखेंगे एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू हाफ 10, टी की जगह 5 और इसका स्क्वायर 25, इधर हो जाएगा हमारे पास 5 5 मल्टीप्लाई 25 125, मीन एच इक्वल टू 125 मीटर। अरे भाई, 5 सेकेंड में पार्टिकल 125 मीटर आएगा, और 4 सेकेंड में कितना आ रहा था, 4 सेकेंड में 80 मीटर आ रहा था, तो 5th सेकेंड में कितना आया होगा 125 मीटर माइनस 80 मीटर आ गया, तो एच 5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 125 माइनस 80, यानी एच 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 45 मीटर। और अब इसी तरह से एन टाइम्स के लिए कैलकुलेट करते रहें तो यही 10-10 का गैप आएगा, आप देखें इसमें 5 मीटर है तो फिर यहाँ पर 15 मीटर है, फिर 25 मीटर है, फिर 35 मीटर है, फिर 45 मीटर है, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा
55 मीटर आएगा, 55 मीटर, फिर 65, इसी तरह से 10-10 के गैप में आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। अब रेशियो अगर कैलकुलेट करना है, H1, रेशियो H2, रेशियो H3, रेशियो H4, रेशियो H5 इक्वल टू, इन सभी का रेशियो 5, रेशियो 15, रेशियो 25, रेशियो 35, रेशियो, इसी तरह से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब देखो भाई, 5 सबसे कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी H1, रेशियो H2, रेशियो H3, रेशियो H4, रेशियो H5 इक्वल टू 1, 3, और इधर हो जाएगा 5, 7, 9, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमने देखा कि जो पार्टिकल किसी एच हाइट से ड्रॉप कराया गया था, किसी पार्टिकल को, वो पर सेकंड इतनी हाइट को ट्रेवल कर रहा है और उस हाइट का जो रेशियो है वो ऑड डिजिट में मिल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं गैलीलियो का ऑड डिजिट एप्लीकेशन या ऑड डिजिट लॉ कहते हैं।